नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, जिसके देखा जाए तो टोटली गवर्नमेंट के पास इसका हिस्सेदारी ज़्यादातर है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ प्रोसेसिंग कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी से ब्रेकिंग न्यूज और जबरदस्त न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, मैं हमेशा स्टॉक मार्केट के न्यूज और अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहता हूँ, तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि आप बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करेगा, मतलब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो। देखिए, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के गुड न्यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो गेल पेट्रोलियम बिजनेस करते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं गेल लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट ओनर्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया के एक लार्ज कंपनी है, मतलब जो पेट्रोलियम के ऊपर काम करते हैं, ज्यादातर नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। देखिए, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का टोटल टोटल जो रेवेन्यू है 58,400 करोड़, करीबन करीबन 7.8 बिलियन डॉलर। तो 2021 के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे कंपनी देखिए, जब आज के मार्केट ओपन हुआ पिछले दिन में, जब क्लोजिंग हुआ था 152.40 में क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद आज के दिन गैपा में ओपन हुआ, करीबन करीबन 153.90 इस लेवल में ओपन हुआ और गैपा में ओपन हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे ढलांग देखने को मिला। तो यहाँ पे कौन सा न्यूज है जिसके चलते एक पॉजिटिविटी आया और मार्केट के उस न्यूज को उतना एफोर्डेबल नहीं लगा, तो इसलिए मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हुआ और सेलिंग भी अच्छा खासा हुआ। तो कौन सा न्यूज है, चलो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 मार्च में एक अनाउंसमेंट किया गया था कि डिविडेंड के लिए, तो डिविडेंड के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था, तो डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं, तो इसीलिए एक अनाउंसमेंट किया गया था और वो डिविडेंड फाइनलाइज हो चुके हैं, मतलब कितना डिविडेंड मिलेगा और कौन सा डेट में मिलेगा वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो आप उसी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर चला जाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यहाँ मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गेल जम्प 3% आफ्टर द यूटिलिटी मेजर यहाँ पे देखिए डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, मतलब उन कंपनी ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड देने के लिए, वो भी देखिए यहाँ पे देखिए गेल 3% जाम, मार्केट ओपन होने के बाद ही 3% जाम देखने को मिला और उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन फिर से रिकवरी हुआ। और यहाँ पे देखिए जो टोटल कंपनी ने डिविडेंड देने का जो अनाउंसमेंट किया इंटरिम डिविडेंड देने का, वो एक ऑब्वियसली पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है, अच्छा खासा पैसा कमाने का एक जरिया भी है। तो डिविडेंड ऑब्वियसली एक बोनस के हिसाब से हर इन्वेस्टर को मिलता रहता है। तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, तो कौन सा डिविडेंड देगा और कितना डिविडेंड देगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ द स्टेट ओनर्ड गैस यूटिलिटी मेजर गेल, जो यहाँ पे बता रहा है क्या क्लेमेड 2.6% टोटली अर्ली ट्रेड मॉर्निंग में जब ट्रेड हुआ था तो करीबन 2.6% का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला, जंप देखने को मिला। तो उसका जो मेन कारण है वो है कंपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं, वो भी 50 पर शेयर, मतलब 50 पर शेयर, मतलब 50% का यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, वो भी 5 रुपया पर शेयर में डिविडेंड मिलने वाला है। देखिए इतना छोटा प्राइस में 150 रुपया में 5 रुपया का डिविडेंड, मतलब बहुत अच्छा खासा डिविडेंड जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए इतना छोटा प्राइस में आपको 5 रुपया पर शेयर में डिविडेंड मिला है, मतलब एक खासियत जरूर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे देखिए करंटली जो फाइनेंशियल ईयर है उसी के हिसाब से मार्च के एंडिंग से ही पहले ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा। वो डेट देखिए यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं, रिकॉर्ड डेट रहेगा 22 मार्च, मतलब 22 मार्च से 2 दिन पहले ऑब्वियसली मार्केट ओपन होना चाहिए। मार्केट रनिंग और ओपन टाइम पे ही आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलने का चांसेस रहेगा। तो देखिए आप डिविडेंड चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा कोई भी स्टॉक में डिविडेंड दे रहा है तो उसके लिए आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं मतलब बहुत गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। देखिए आप उस बात को आप ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, फिर भी मैं कहूंगा देखिए क्योंकि कंपनी अगर खराब है तो उस कंपनी में निवेश तो कर देंगे, आपको डिविडेंड तो मिल जाएगा, मगर आपका स्टॉक में लॉसेस होते रहेंगे तो क्या फायदा। डिविडेंड 5 रुपया मिला और आपका लॉस हो गया 500 रुपया का, तो उसमें फायदा क्या है। तो मेरे इसी बात को मैं आपको हमेशा समझाते आया हूँ। देखिए कंपनी ने ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यूज अनाउंसमेंट किया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि डिविडेंड देना ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए भी पॉजिटिव है। देखिए कंपनी जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसको भी डिविडेंड कितना मिलता रहेंगे वो भी सोचिए, वो भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो देखिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं जरूर दूंगा, तो और भी बात यहाँ पे जो किया गया है तो वो भी देख लीजिए। द डिविडेंड पे आउट विल बी 2,220 करोड़, मतलब टोटल जो डिविडेंड पे आउट कंपनी करने वाला है 2,220 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे आउट करने वाला है, और वो भी देखिए मार्च रिकॉर्डेड है मार्च 2022, और वो भी इस दिन से पहले आपको खरीदारी करना होगा 2 दिन पहले, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए गेल स्क्रिप रेज टू हाई ऑफ द, मतलब आज के दिन का जो हाई हुआ था उसी के बारे में बात कर रहा था, प्रीवियस क्लोज था 152 और आज के दिन का हाई हुआ था 156.40, करीबन 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, यहाँ पे मैं परसेंटेज का बात नहीं कर रहा हूँ, 4 पॉइंट का यहाँ पे तेजी देखने को मिला, करीबन 2.5% से भी ज्यादा, 2.5% से भी ज्यादा यहाँ पे तेजी आज के दिन देखने को मिला है। तो देखिए तो यहाँ पे ये जो गुड न्यूज है, इस गुड न्यूज के चलते है, मुझे लगता है कंपनी में थोड़ा सा तेजी जरूर देखने को मिलेगा। देखिए ऑब्वियसली डिविडेंड बोनस और बायबैक इस तरीके से कुछ न्यूज आ जाता है तो रॉकेट की तरह कंपनी भागता रहता है। तो क्या अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्या फिलहाल के लिए इस कंपनी परफेक्ट होगा निवेश के लिए, तो उसके बारे में, तो उसको जानने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कि नहीं करेंगे, और जितने सारे दोस्त इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसके लिए क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए मेरा राय है, आप इस राय को ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, तो फिर भी देखिए आप ओपिनियन तो ले लीजिए, तो आपको डिटेल्स तो मिल जा रहा है। तो आप देख लीजिए कंपनी जो है वो, इसका जो टोटल बात करूं तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है नेचुरल गैस से, आप देख सकते हैं नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग, मतलब जो बेचा जाता है और मार्केटिंग किया जाता है, वहां से 76% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। और जो पेट्रोकेमिकल है उसके, उसमें 7.5% का जनरेट होता है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन के लिए आपको 7.5% जनरेट होता है। एलपीजी एंड आदर्स लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लिए 5% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू ज्यादातर कंपनी का नेचुरल गैस से आते हैं, तो इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखिए कंपनी को छोटा मोटा कंपनी है, 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के से कंपेरिजन करूं तो बहुत कम है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है और कंपनी का जो ट्रेड चल रहा है, मतलब कारण जो प्राइस चल रहा है, वो सेम टू सेम नजदीकी है देखने को मिला। कंपनी का हाई हुआ था 171 और लो था 125, 52 का हाई लो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी देखिए कितना बार डिविडेंड देते रहते हैं, 5.91% का डिविडेंड पहले कंपनी दे चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 10 रुपए है, अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का देखिए कर्जा भी 7,000 करोड़ है और कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 6,000 करोड़ है। कंपनी डेप्थ इक्विटी मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो इनकम भी है उसका जो डेप्थ है वो सेम टू सेम लेवल में है। कंपनी के हाथ में कैश भी है, सारे के सारे चीज मुझे ऑब्वियसली स्टार लेवल का लगा, 4 स्टार 5 स्टार लेवल का देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 25 रुपया पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है, कोई खराबी नहीं है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, आप देखिए कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से काम करते हैं तो अदानी टोटल गैस नंबर 1 पोजीशन में है, उसके बाद गेल है। तो गेल ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा जबरदस्त कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, मतलब कंपनी हर क्वार्टर में जो सेल्स किया वो अच्छा खासा सेल्स है। हाँ यहाँ पे सेल्स का मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगा, वो है कंपनी ग्रोथ करना चाहिए था, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए था,
मगर कंपनी का सेल्स उतना ज्यादा बड़ा नहीं। बीच में देखिए 12,000 13,000 करोड़ पहुंच चुका था, जो पहले था 19-20,000 करोड़ों तक। अभी फिलहाल के लिए 26 करोड़ हो चुके हैं। इस सालों में बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, तो इसलिए कंपनी प्रॉफिट भी जबरदस्त कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में इतना सारा प्रॉफिट आया, वो भी पॉजिटिविटी जरूर माना जाता है। और आपको कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट दिया वो भी देखना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो देखिए मैं इसी बात को आपको बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपको डिविडेंड जबरदस्त मिलेगा, साथ ही साथ बायबैक भी मिल सकता है, साथ ही साथ बोनस भी मिल सकता है, साथ ही साथ आपको स्प्लिट भी मिल सकता है। देखिए स्प्लिट तो एक बार हो जाएगा तो वन इज वन मतलब 1 रुपया फेस वैल्यू देखने को मिलेगा, तो और स्प्लिट नहीं कर सकते, मगर बोनस डिविडेंड बायबैक तो मिलता रहेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से फायदा आपको बहुत बार मिलेगा, मगर रिटर्न आपको उतना खास नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में एक बार आपको दिखा दूं तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन है, और उतना तेजी से भागा नहीं, सिर्फ 1000% का रिटर्न। कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 2011 से, सॉरी 2001 से, तब से देखा जाए तो कंपनी अभी आज तक कंपनी तो उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस के बाद एफआईएस तो सॉरी पब्लिक प्रोमोटर के तो 51% होल्डिंग है, एफएस के पास 19% है, डीएस के पास 15% है, और गवर्नमेंट के पास भी देखिए जबरदस्त माल है, उसके बाद पब्लिक के पास है। तो देखिए जिस कंपनी के इंस्टीट्यूशन ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहेगा ही। साथ ही साथ डीआईएस कौन से आप देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो सबसे ज्यादा माल उठाकर रखा, 6.95% का होल्डिंग है उसका। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी कोई खराब नहीं है, ऑब्वियसली कंपनी गवर्नमेंट है तो इसलिए स्लो मोशन में चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं, और कंपनी अच्छा खासा 5-स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस करते आया है। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश है तो ऑब्वियसली होल्ड करिए, बेचिएगा मत, और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली निवेश कर सकते हैं। फिर भी मैं गवर्नमेंट कंपनी में मैं जिस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि आप उस तरीके से फॉलो करिए। मेरे कहने का मतलब है आप गवर्नमेंट कंपनी में छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ज्यादा निवेश मत करिए। अगर गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भी तकलीफ हो तो आपको लॉसेस होने का चांसेस उतना ज्यादा नहीं रहेगा। मैं इस तरीके से सोचकर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत दिनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा। तो फिर भी आप स्टडी करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।